आज हम लोग शुरुआत करेंगे पाठनीय प्रश्न 182 पर आपका है। दो क्वेश्चन दिया गया, इसको हल करते हैं। 7.4 आपका है, अमोनिया के लब्धि को बढ़ाने के लिए आवश्यक स्थिति का वर्णन कीजिए। यही प्रश्न आपके है कि अमोनिया के लब्धि को बढ़ाने के लिए आवश्यक स्थिति का वर्णन कीजिए। आवश्यक स्थिति का वर्णन, ठीक है, कैसे इसका वर्णन करेंगे आपको मैं बता दूं। दाब को बढ़ा करके अमोनिया के लब्धि को, लब्धि का मतलब होता है एनर्जी, ऊर्जा, अमोनिया की ऊर्जा को बढ़ाना होगा। तो पहला ही कंडीशन होगा कि आप ताप को बढ़ा दीजिएगा, ताप के मान 700 केल्विन कर दीजिएगा, 700 केल्विन कर दीजिएगा, तभी अमोनिया का लब्धि बढ़ जाएगा। दाब बढ़ा दीजिएगा 200×10 के ऊपर 5 पास्कल कर लीजिएगा। उत्प्रेरक का प्रयोग कर देंगे, जैसे K2O का नाम सुनेंगे, पोटेशियम ऑक्साइड, तब भी आपका अमोनिया का लब्धि का हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लिखते हैं पहला, इसमें ताप को बढ़ाकर ताप की मान कितना कर देंगे, 700 केल्विन। दूसरा, ताप को कितना बढ़ा कर देंगे आप 200×10^5 पास्कल। और तीसरा, उत्प्रेरक का प्रयोग करके, उत्प्रेरक के प्रयोग में K2O आप यूज करेंगे, नाम होगा पोटेशियम ऑक्साइड। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न था पहला आपका, कभी आप इसको भूल नहीं सकते, समझ रहे हैं बात को। दूसरा आपका प्रश्न देखेंगे, हमसे क्या कह रहा है 7.5। दिया गया कॉपर आयन की क्रिया अमोनिया से कराई है, Cu2 के ऊपर प्लस है, कॉपर आयन की क्रिया किससे कराना है, अमोनिया से। तो सुनो, आप कहेंगे कि जब कॉपर आयन की क्रिया अमोनिया से कराएंगे तो गहरा नीले रंग का एक संकुल यौगिक बनता है, कॉपर उसके साथ जुड़ जाएगा, अमोनिया उसके साथ जुड़ जाएगा। यही पूछा है कि कॉपर आयन है, उसी क्रिया अमोनिया से कराइए, तो सिंपल तरीके से करा सकते हैं। देखिए आप लिख लीजिए कि जब कॉपर आयन, जिसको आप Cu के ऊपर 2+ प्रदर्शित करते हैं, कि क्रिया अमोनिया से कराते हैं, अमोनिया से कराते हैं तो गहरा नीला रंग का संकुल प्राप्त होता है। रिएक्शन लिख लीजिए, Cu2 के ऊपर प्लस अमोनिया रहा आपका, 4 से गुणा करिए तो बनेगा CuNH3 का 4, क्योंकि यहाँ पर 4 है, इसके ऊपर 2+ जब कॉपर के, तो दिखा दीजिए ये कॉपर आयन है या अमोनिया है, और ये गहरा नीला रंग का प्राप्त हुआ है संकुल। संकुल का मतलब यह होगी, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न आपके पास था, आपने इसको हल किया। यौगिक संकुल का मतलब यौगिक।